क्या पूछने आई हो? 1 बजे के बाद में जाने का होता है, पता ही नहीं चलता है। और क्या होता है? कछु आता है जो कहते वो सही नहीं। कछु आता है? वजन सो जाता। कितने कितने पूरे शरीर पे? देखो फर्जी काम हमारे साथ मत करना। नहीं। तेजी से क्या पूछने आई हो? माइक से बोलो। 1 बजे के बाद में जाने का होता है, पता ही नहीं चलता है। और क्या होता है? कछु आता है जो कहते वो सही नहीं। कछु आता है? हाँ। क्या होता कछु? वजन सो जाता है। कितने इतने पूरे शरीर पे? तो जो तो पता लग जाता है ना कि वजन आ रहा है। कोई को पता ही नहीं चलता है। कोई जगह चढ़ता तुम पे, कोई को क्या पता? देखो फर्जी काम हमारे साथ मत करना। नहीं गुरु जी। तो जैसे किसी के सिर दर्द होता है ना। हाँ। तो पता हो तो सिर दर्द हो रहा है, तो तुम जीव क्यों घुमा रहे? कछु होता है, सीधा बोलो। सिर में दर्द होता है, कंधे भारी होते हैं, पेट दर्द होता है, पूरे शरीर पे वजन सो जाए और आवाज नहीं निकलती। अच्छा। और कोई जगह हो तो आते तो पता ही नहीं होता। ऐसा। माइक नीचे रखो, पर्चा भी नीचे रखो। साथ में कौन आया? आंखें बंद करो, लॉक, मूर्छित। तेजी से। ऐसा ही होता है इनके घर वाले? देखो जो देख पा रहे हैं वो बताएं, ऐसा ही होता है? ऐसा ही होता है ना? चलो होश में। बट हनुमान जी कृपा से आज से दिक्कत नहीं होगी। 1 महीना 41 दिन, 1 महीना 41 दिन यानी कि 30, 30 दिन 60, 60 70, 71 71 दिन आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। आपके ऊपर जिन्न का चक्कर है और ससुराल जब तक रहोगी तब तक आप दिक्कत ज़्यादा रहेगी, और घर आके आ जाओगी तो ठीक हो जाती हो। ऐसा ही है ना? माइक से बोलो। मेरी छोटी बहन है वो भी घर पर रह रही है। क्या नाम उसका? रेखा। और बाल ये लिखा, पति रेखा को रखना नहीं चाहता। हाँ। आपके ऊपर प्रेत बाधा है, जिंद है, मूर्छित हो जाती है, शरीर खेलता है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। ठीक है, गलत तो नहीं लिखा? हनुमान जी कृपा करेंगे और आपको यहां 71 दिन रुकना पड़ेगा। बोलो रुक पाओगे? रुक जाओगी आज से? आपका नाम क्या है? पिंकी जी। शरीर आपका जो भारी रहता है अब नहीं रहेगा। आपके ऊपर जिंद है बेटा, और साथ में डाला है, 27 शक्तियां हैं, लाभ होगा, आशीर्वाद है। ये मंत्र आपको करना पड़ेगा। यदि करेंगे तो लाभ मिल जाएगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। पढ़ पा रही हो? समझ नहीं आया ये कौन सा अक्षर है? नहीं पढ़ पा रहे हैं क्या? नहीं, टेढ़ा मेढ़ा है। चलो भाई स्क्रीन। ओम क्लीम फट कुरु 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 स्वाहा 108 बार, 3 रामायण 3 दिन का हवन, 3 आवंदन करना है। गुरु के पास सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। चलिए, जैसे इन्होंने कहा कि टेढ़ा टेढ़ा लिखा है हम समझ नहीं पाए, तो हमने स्क्रीन पे दिखा दिया। यदि कभी कोई दिक्कत होती है ऐसा टोक देंगे तो हम स्क्रीन पे दिखा देंगे जिससे उपस्थित लोग पढ़ सकें। पर्चा एक एक लाइन समझ में आ रही है आपको? हमने लिखा है रेखा देवी को पति रखना नहीं चाहता, पिंकी शरीर भारी रहता है, घबराहट एवं जकड़न, घबराहट शब्द हमने लिखा नहीं, मौका दे, जकड़ता है और शरीर पर खेलता है, तो शरीर भी नहीं लिखा है, खेलता है, जिंद का चक्कर है और 27 आत्माओं का डाला है, ये मौखात बोला है, लिखा नहीं है। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है, धन्यवाद। माइक उठाइए। हाँ, कहाँ से आई हो? हम मुंबई से। मुंबई से क्या पूछने आई बहन? सर मेरे पति का तबीयत बहुत खराब रहता। कब आई आप? मेरे को हो गया आज 10-12 दिन। क्या किस्मत है कि 10-12 दिन नंबर आ गया। और क्या चाहती हैं पति के लिए? वो अच्छे हो जाए और मेरी एक बेटी है उसकी अच्छे से शादी हो जाए। अच्छा, क्या नाम बेटी का? कोमल विश्वकर्मा। पति का? रमेश विश्वकर्मा। हाँ? रमेश विश्वकर्मा। आपने किसी को बताया तो नहीं था? नहीं। कोमल की शादी 3 मई 2026 को करना, अन्यथा तलाक होगा। रमेश का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, घर में सुख शांति होगी, आज से ही आशीर्वाद। लेकिन आपको 5 अमावस्या करनी है बहन,
यदि करोगी तो सफलता मिल जाएगी, नहीं करोगी तुम जाओ तुम्हारा काम जाना। गुरुजी बोलो बहन बोलो। मेरा बेटा है 17 साल का राज, वो सीए बनना चाहता है, उसके लिए वो पढ़ाई में सफल होगा कि कोई और पढ़ाई करे? हमने सीए के बारे में लिखा है, ठीक है, बच्चे का नाम भी लिखा हमने, तीसरी दूसरी नंबर में लिखा, पढ़ लीजिएगा, है ना। 2025, 2026, 2027 तक शादी और रोजगार जॉब लगेगा, आशीर्वाद है। रमेश का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आशीर्वाद है, ठीक है, हमने ऐसा बोला है आपको। बस जो तारीख बोली है वो आपने टोका नहीं मुझे, इस बात का कष्ट है। स्वास्थ्य निरोग रहेगा यह सब लिखा, लेकिन उसमें तारीख हमने लिखी नहीं, मौखात बोला है, नहीं बाद में ढूंढते रहो। हमने मौखात बोला है, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। बोला कि नहीं बोला? कितनी तारीख बोली है? हाँ, लेकिन जब हम बोलते हैं तो पर्चा पढ़ने वालों को टोकना चाहिए। हमने तारीख मौखात बोली है और पर्चे में नहीं लिखा है, और जो हमने बोला नहीं वो पर्चे में लिखा है। राज का सीए, राज सीए बनेगा, आयकर विभाग की मनोकामना पूरी होगी, आशीर्वाद है।